हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी अक्सर कभी मौसम में बदलाव होता है, हमारा वातावरण चेंज होता है, तो दोस्तों हमें बहुत सारी बीमारियां आ घेरती हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें हमें होने लगती हैं, ये सब बीमारियाँ हमें होने लगती है। तो दोस्तों, जब भी मौसम परिवर्तित होता है तो जो वायरसेस और बैक्टीरियाज रहते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं, और हमारी इम्यूनिटी अगर लो रहेगी तो वह हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं और हमें अलग अलग प्रकार के लक्षण देने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज हम बात करेंगे जुखाम के बारे में, कोल्ड कोराइजा जिसको भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जुखाम क्यों हो जाता है? जब भी हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, हमारी नाक के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण भी, तो दोस्तों हमें जुखाम की समस्या हो जाती है। और दोस्तों, जुखाम के कारण हमें फीवर भी आ जाता है, यह अक्सर मौसम में बदलाव के कारण देखा जाता है। दोस्तों, अभी भी जो कंडीशन चल रही है वह भी उसी प्रकार की है, कह नहीं सकते कि क्या चीज़ है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है मौसम में जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, तो दोस्तों कहा नहीं जा सकता कि कौन सी बीमारी है। इसी प्रकार अगर हमें जुखाम हो जाता है, अचानक से जुखाम हो जाता है, खांसी आने लगती है, बुखार आने लगता है, तो दोस्तों हम कैसे उसको ठीक करें? क्योंकि अभी की जो सिचुएशन चल रही है उससे हम डरे हुए हैं कि हमें कहीं ये बीमारी ना हो जाए, हमें कहीं वो बीमारी ना हो जाए। तो दोस्तों, हम उस जो हमें जुखाम हुआ है उसको हम कैसे ठीक करें? तो आज मैं कुछ ऐसी ही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि जुकाम को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। दोस्तों, अब जुकाम, हम दो टाइप के जुकाम के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है जो पतला जुकाम होता है, पनीला जुकाम होता है, और एक जो होता है गाढ़ा जुकाम होता है, जिसमें जो म्यूकस होता है वह बहुत गाढ़ा होता है, और एक जो होता है पतला पानी जैसा होता है। तो दोनों की अलग अलग मेडिसिन है, और इन दोनों के मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें मिलानी है और उसका कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो जब भी हमें अगर जुखाम होता है, पतला जुखाम होता है, तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, और गाढ़ा जुखाम होता है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन सी वो मेडिसिन है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है एलियम सीपा। दोस्तों, इससे पहले हम जानेंगे कि पनीले जुखाम में कौन कौन सी मेडिसिन है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है एलियम सीपा है, यह पनीले जुखाम में जो पानी जैसा जुखाम बहता है, पानी जैसी नाक बहती है, पतली नाक बहती है, उसमें दोस्तों एलियम सीपा बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, एलियम सीपा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नाक में से पानी आता है, बहुत ज़्यादा नाक में से पानी आता है, और वह पानी नाक में जलन करता है, नाक में जलन के साथ वह पानी आता है और बहुत सारी छींकें आती हैं, हमें जुखाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों एलियम सीपा बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर अचानक से जुखाम हो जाए, नाक बहने लगे, गले में खराश हो, सर्दी हो जाए, और जो नाक से बहने वाला पानी है वह काटता सा हुआ निकले, मतलब कि जलन करता हुआ निकले, इसके साथ में आंखों से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आंसू आए, लेकिन जो आंसू आए वह जलन नहीं कर रहे हैं, नाक से पानी जो निकल रहा है वह जलन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों एलियम सीपा बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और एक से दो दिनों में ही आपका ये जुकाम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों यूफ्रेसिया। दोस्तों, यूफ्रेसिया भी पनीले जुकाम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जुकाम हो गया है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बह रही है, इसके साथ में आँख से भी पानी निकल रहा है, आँख से भी आंसू निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें यह फ़र्क है कि इसमें जो आँख से पानी निकलता है, जो आंसू निकलता है, वह जलनदार निकलता है, और जो वह गाल को एकदम काट देता है, जला देता है। तो दोस्तों एलियम सीपा और यूफ्रेशिया में यही डिफरेंस है कि एलियम सीपा में जो नाक का डिस्चार्ज होता है वह जलन करता है, और यूफ्रेशिया में आँख से जो आंसू निकलता है, आँख से जो पानी निकलता है, वह जलन करता है और वह जला देता है। तो दोस्तों यह यूफ्रेशिया थी। अब इसमें बहुत सारी छींकें आती है, इसमें भी छींकें आती है, जुखाम हो जाता है, छींकें आती हैं, आँख और नाक से पानी बहता है, और आँख से पानी जो निकलता है वह जलन करने वाला होता है। तो दोस्तों ऐसे पनीले जुखाम में यूफ्रेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नक्स वोमिका। दोस्तों नक्स वोमिका भी जुकाम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है।
अगर अचानक से जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, फिर भी पानी बहता रहता है, जुकाम बहता रहता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों एलियम सीपा, नक्स वोमिका और यूफ्रेशिया, आप इन तीनों को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लोब्यूल्स फार्म में गोली में मिल जाते हैं तो चार चार गोली सुबह, दोपहर, शाम, और या फिर डाइल्यूशन में मिल जाते हैं, लिक्विड में मिल जाते हैं, तो दो दो ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे, जीवान पे दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों अब हम पतले जुकाम के लिए एक कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें, तो हमें क्या करना है कि यह तीनों दवाइयां ले लेनी है, एलियम सीपा 30 पोटेंसी में, यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में और नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में, इन तीनों दवाइयों को ले लेना है और एक खाली सीसी ले लेना है। यह दवाइयां और खाली सीसी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों हमें तीनों दवाइयों को बराबर मात्रा में मिला लेना है और एक कॉम्बिनेशन बना लेना है। इस कॉम्बिनेशन को हमें दो दो बूंद डायरेक्टली टंग पर लेना है जब तक कि हमारा जुकाम पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, अगर पानी वाला जुकाम है, पतला जुकाम है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा और 2 दिनों में 3 दिनों में आपकी जो जुकाम की समस्या है वह ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों आइए जानते हैं, बात करते हैं गाढ़े जुकाम के लिए। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को बहुत जुकाम हो जाता है और वह जुकाम बहुत गाढ़ा हो जाता है, पीला सा, चिपचिपा सा, गाढ़ा सा उसमें गाढ़ा पदार्थ निकलता है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस दोस्तों अगर कोई भी जुकाम हो जाता है और गाढ़ा पीला सा स्त्राव निकलता है, गाढ़ा सा पीला सा डिस्चार्ज निकलता है और वह नाक में एकदम भरा रहता है, गले में चिपका रहता है, गले में लटका करता है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली बाइक्रोम। दोस्तों काली बाइक्रोम भी इसी प्रकार के गाढ़े डिस्चार्ज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको जुकाम हुआ हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज है, चिपचिपा सा डिस्चार्ज है, पीला डिस्चार्ज है और बहुत सारा, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज है, गले तक में दिखाई दे रहा है कि वो डिस्चार्ज भरा पड़ा है और साफ़ नहीं हो रहा है, जुकाम बना हुआ है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 2 दिनों में 3 दिनों में आपका डिस्चार्ज जो है ख़त्म होने लग जाएगा, जो आपका जुकाम है वह ठीक होने लग जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों साइलिसिया। दोस्तों साइलिसिया भी इसी प्रकार के जो गाढ़े डिस्चार्ज वाला जुकाम है उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इन तीनों मेडिसिन को भी हम 30 पोटेंसी में लेंगे, हाइड्रेस्टिस 30 पोटेंसी में, काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में और साइलिसिया 30 पोटेंसी में। अब दोस्तों हम इन तीनों को या तो अलग अलग भी ले सकते हैं या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें हाइड्रेसिस 30 और काली बाइक्रोम 30 और साइलिसिया 30, इन तीनों मेडिसिन को बराबर मात्रा में खाली सीसी में मिला लेना है और उसको हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है डायरेक्टली टंग पर, सुबह, दोपहर, शाम। आप देखेंगे कि दोस्तों मात्र 2 से 3 दिनों में आपका जो जुकाम है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, गाढ़ा जुकाम है, पीला डिस्चार्ज निकल रहा है, चिपचिपा सा डिस्चार्ज निकल रहा है और बहुत सारा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें जो मेडिसिन से बहुत इफेक्टिव मेडिसिन से, जो पतले जुकाम के लिए भी जो मेडिसिन से बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, किसी भी प्रकार का जुकाम हो इन दवाइयों से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे जुकाम से सफ़र कर रहे हैं, जो फ्लू लाइक सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यह मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन से और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन से, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।